गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ओपन योर बुक इंग्लिश एंड पेज नंबर 2 से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगेन ये वही है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डेट मेंशन कर देंगे। ओके, एंड देन स्टार्ट रीड एंड आस्क व्हाट इज दिस। इट इज आ, इट इज एन। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना आ किन लेटर्स के साथ यूज करते हैं? वेरी गुड, चैलेंज बताएं। वेरी गुड, आ हम कॉन्सनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। ओके, और एन किसके साथ यूज़ करते हैं? वोवल्स के साथ। वेरी गुड, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज आ वायलिन। इट इज आ वायलिन। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? इट इज़ आ वॉल। इट इज़ आ वॉल, क्योंकि इसके साथ हमने आ क्यों यूज़ किया है? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सनेंट है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? वेरी गुड, इट इज़ आ एक्सरे। मैं सारे रिपीट करें, इट इज़ आ एक्सरे। सेकेंड लास्ट, what is this? It is a yolk. It is a yolk. Next, last, what is this? It is a zebra. It is a zebra. Next, read. अब ये words हमारे पास given हैं, इनके साथ हमने a और जिनके साथ एन लगना है हमने वो लगा के रीड करना है। ओके, इट इज अ यॉर्क। इट इज अ टैप। इट इज अ स्नेल। इट इज अ वायलिन। इट इज एन अम्ब्रेला। इट इज अ एक्सरे। इट इज अ वॉल। इट इज अ रोप। इट इज अ क्विल्ट। इट इज़ अ ज़ेब्रा। वेरी गुड, इसको भी आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे, अच्छी अच्छी प्यारी सी राइटिंग में। ओके, अच्छे से कॉपी को रेडी करेंगे, इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, वेरी गुड।